1981 में आए फिल्म लव स्टोरी तो आपको याद होगी, जिसमें हमें एक्टर कुमार गौरव एक बेहद खूबसूरत और दिलनशी अभिनेत्री विजेता पंडित के साथ रोमांस करते हुए और उनके प्यार में पागल मजनू की तरह झूमते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें कुमार गौरव के साथ साथ नजर आए अभिनेत्री विजेता पंडित को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसके चलते ये फिल्म काफी हिट रही थी। लेकिन दोस्तों, आज इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 41 साल बीत चुके हैं और बीते 41 सालों में इस फिल्म में नजर आई खूबसूरत अभिनेत्री विजेता पंडित भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। जो आज कहाँ है, क्या करती है और कैसे दिखती है, कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम आपको विजेता पंडित के बारे में बताकर उनके आज के हालातों से रूबरू कराने वाले हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लव स्टोरी में पिंकी डोगरा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से पूरी की। लेकिन अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1981 में आए फिल्म लव स्टोरी से की थी, जिसमें इन्होंने पिंकी डोगरा का किरदार निभाया था, जिसमें इनके एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, क्योंकि इस फिल्म में यह हमें काफी खूबसूरत और बेहतरीन एक्टिंग करती हुई दिखाई दी थी, जिनके इसे बेहतरीन एक्टिंग के बदौलत इन्हें कई सारे फिल्में ऑफर हुई, जिनमें मोहब्बत, जीते हैं शान से और दीवाना तेरे नाम का जैसे कई फिल्में शामिल हैं। पर अगर बात की जाए साल 1981 में आए फिल्म लव स्टोरी से अब तक आए इनमें बदलावों की, तो आपको बता दें कि फिल्म में जहां ये हमें वेस्टर्न ड्रेसेस जैसे कि जींस टॉप एंड टॉप में तो कभी डंगरी पहने हुए खुले बालों में तो कभी दो चोटी किए हुए काफी खूबसूरत मेकअप में बहुत ही ज्यादा यंग नजर आई थी। वहीं बात करें आज की तो आपको बता दें कि आज ये 54 साल की हो चुकी हैं और ज्यादातर हमें डिजाइनर फ्रॉक सूट में तो कभी सिंपल सूट में खुले बालों में लाइट मेकअप किए हुए बहुत ही ज्यादा मोटी और उम्र दराज नजर आती है। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को भी विराम दे दिया है और आखिरी बार ये हमें साल 2004 में फिल्म देव में नजर आई थी। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 1990 में म्यूजिक कंपोजर आदेश और श्रीवास्तव से शादी की थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। जी हां, आपको बता दें इनके पति का साल 2015 में निधन हो चुका है और अभी अपने दो बेटों अवितेश श्रीवास्तव और अविनेश श्रीवास्तव के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रही है। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे कि लव स्टोरी फिल्म में नजर आई अभिनेत्री विजेता पंडित इतने सालों में इतनी ज्यादा बदल जाएंगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।